आज अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दो दिन अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी। तो अयोध्या के दो दिन दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज दोपहर 3:35 अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी और रामलला का करेंगे दर्शन पूजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा बैठक। तो अयोध्या के दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री। श्री राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली मां का करेंगे दर्शन पूजन। बता दें कि सरयू पहुंचेंगे अतिथि गृह, संतों से करेंगे मुलाकात। परिवहन निगम की बसों को हरी झंडी भी दिखाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दो दिन के दौरे पर है अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज अयोध्या पहुंचेंगे। बता दें कि विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। दो दिन अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खबर लखनऊ से है, जहां नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में पास हुआ प्रस्ताव। फुटपाथ पर चलने वाले सभी 84 पार्किंग स्टैंडों को किया जाएगा शुरू। ठेकेदारों को शासन के निर्देशों पर पालन करना होगा। तो शासन के निर्देशों का पालन करना होगा अब ठेकेदारों को। पार्किंग स्थल पर पेयजल शौचालय की सुविधा विकसित करना होगा। कल्याण मंडपों के संचालन की व्यवस्था बदली गई। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं। अभी तक केवल एक क्विक ही सभी कल्याण मंडप का देखता था संचालन। एक ही व्यक्ति अभी तक सारी संचालन को देखता था, लेकिन अब अलग अलग बांट दिया गया है। अब जोनल अधिकारी संबंधित जोन के कल्याण मंडप का करेंगे लोकार्पण। शहर में नगर निगम के हैं 10 कल्याण मंडप। खबर हमीरपुर से है, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में दुष्कर्म का आरोपी घायल हो गया। मासूम बच्ची के साथ आरोपी ने किया था दुष्कर्म, जिसके बाद मुठभेड़ में घायल हो गया है। खबर हमीरपुर से है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो बता दें कि घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है पुलिस मुठभेड़ में दुष्कर्म आरोपी घायल हो गया है। मासूम बच्ची के साथ आरोपी ने किया था दुष्कर्म। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं। हमीरपुर में 6 माह की मासूम बच्ची के साथ चाचा ने किया दुष्कर्म। तो शर्मनाक खबर हमीरपुर से सामने आ रही है, जहां पर 6 माह की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। घर में खेल रही मासूम के साथ चाचा ने दुष्कर्म किया है। मासूम बच्ची की हालत गंभीर, मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। तो बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। आरोपी चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये शर्मनाक खबर हमीरपुर से है, जहां पर बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। सूचना पर अपर SP पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ब्रजेश जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, 6 माह की मासूम बच्ची के साथ चाचा ने दुष्कर्म किया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए नंदिनी, पूरा मामला हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र के सामने निकल कर आया है। यहाँ एक चाचा ने ही एक मासूम बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद उनसे लगभग बच्ची अपने परिजनों से पास पहुंची और अपना रो रो कर ये दुखड़ा जब अपने परिजनों से बताया, तो जिसके बाद परिजनों ने यहाँ के स्थानीय पुलिस में पूरे मामले की जो है शिकायत की है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया था, लेकिन देर रात आरोपी अखिलेश के साथ में यहाँ की स्थानीय पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी अखिलेश ने पुलिस पर फायरिंग झोंकी है। हालांकि पुलिस की जवाबी फायरिंग में अखिलेश के पैर पर गोली लगी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे यहाँ की नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसके बाद उसे यहाँ से जिला अस्पताल के लिए रिफर किया गया है। हालांकि इस घटना के बाद से ही यहाँ के यहाँ पर SP और SP घटना स्थल पर पहुंचे हैं और परिजनों से मिलकर के इस पूरी घटना की जानकारी ली है। नंदी, इस पूरे मामले को लेकर परिवारजनों का क्या कुछ बयान सामने आया है? हाँ, परिवारजनों की अगर अभी तक माने तो परिवारजन इस पूरी घटना को लेकर के जो है कल से ही सदमे में है। हालांकि परिजन पूरी तरीके से अभी कुछ खुलकर अभी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस ने आरोपी
को जो है मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया और अब पुलिस आगे की कार्रवाई करने में तैयार है जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबर लखनऊ से है जहां पर प्रतिबंधित दवाओं का कारोबार करने वालों पर ईडी का शिकंजा कसा है। तो ईडी ने शिकंजा कसा है, कॉल सेंटर की आड़ में चल रहा था प्रतिबंधित दवाओं का कारोबार। बड़ी खबर लखनऊ से है, ईडी ने जब्त की करोड़ों की संपत्तियां। बताया जा रहा है कि ईडी ने करोड़ों की संपत्तियां जब्त कर ली है। लखनऊ, बाराबंकी और उधम सिंह नगर में ईडी ने छापा मारा था जहां पर दवाओं कारोबारों की करोड़ों की संपत्तियां जब्त कर ली गई है। तो प्रतिबंधित दवाओं का कारोबार करने वालों पर ईडी ने शिकंजा कसा है। कॉल सेंटर की आड़ में चल रहा था प्रतिबंधित दवाओं का कारोबार। बताया जा रहा है कि कॉल सेंटर की आड़ में प्रतिबंधित दवाओं का कारोबार चलाया जाता था। ईडी ने करोड़ों की संपत्तियां भी जब्त कर ली हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सागर जुड़ चुके हैं। सागर, देखिए, प्रतिबंधित दवाओं का कारोबार चलाया जा रहा था जहां पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, दवाइयों का कारोबार चलाया जा रहा था ये कॉल सेंटर के आड़ में। तकरीबन बता दूं कि प्रवर्तन निदेशालय ने सॉफ्टवेयर बनाने की आड़ में नशे को कारोबार करने वाले अमेरिका सप्लाई करने वाले कारोबारियों की तकरीबन तीन से चार करोड़ के बीच 11 संपत्तियां जब्त की है। ईडी ने हेल्थ टेलीकॉम से जुड़े लोगों की लखनऊ, बाराबंकी, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर स्थित संपत्तियों को शुक्रवार को जब्त कर लिया और यह कार्रवाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा 2017 में दर्ज मामले के आधार पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के आधार पर की गई थी। कंपनी के निदेशक शांतनु गुप्ता, शशांक गुप्ता, अब्दुल वाहब यासीर, मोहित इल्धर, सुबेर अन्य के हिसाब से ही यहां पर कार्रवाई हुई। फिलहाल अभी तक ईडी और भी तमाम जो उनके जो खाके हैं वो तैयार कर रही है और देखिए देखा ये जा रहा है कि किस तरह से अब ईडी जो है ये जो शिकंजे है इसकी शिकंजे कसने की तैयारी में है। फिलहाल जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो खबर लखनऊ से है जहां पर मानव तस्करी सिंडिकेट की तलाश में कोलकाता में छापा मारा गया है। एटीएस को बांग्लादेशी नागरिकों को घुसपैठ कराने वालों की तलाश है जहां लगातार छापा मारा गया है। रोहिंग्या मुसलमानों को घुसपैठ कराने वाले विक्रम की तलाश में है एटीएस। 11 अक्टूबर को लखनऊ के चारबाग से गिरफ्तार हुआ था बांग्लादेशी। बांग्लादेशी को साथ लेकर एटीएस जिलों में कर रही है छापेमारी, जिसके बाद लगातार एटीएस अब छापेमारी कर रही है। मानव तस्करी सिंडिकेट की तलाश में कोलकाता में भी एटीएस ने छापेमारी की है। एटीएस को बांग्लादेशी नागरिकों को घुसपैठ कराने वालों की तलाश है। तो लगातार छापेमारी कर रही है एटीएस। बताया जा रहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को घुसपैठ कराने वाले विक्रम की तलाश में एटीएस लगातार अब अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। 11 अक्टूबर को लखनऊ के चारबाग से गिरफ्तार हुआ था एक बांग्लादेशी। बांग्लादेशी को साथ लेकर एटीएस जिलों में छापेमारी कर रही है। खबर लखनऊ से है जहां पर मानव तस्करी सिंडिकेट की तलाश में कोलकाता में छापा मारा है एटीएस ने। एटीएस को बांग्लादेशी नागरिकों को घुसपैठ कराने वालों की तलाश है। पुजारी की पिटाई कर उसको ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। खबर लखनऊ से है, पुजारी पर छेड़खानी का आरोप लगाकर पिटाई का मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है जहां पर पुजारी के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। पुलिस के पास पहुंची पुजारी की पिटाई से जुड़े मामले की लगातार अब तफ्तीश की जा रही है। पुजारी बताया जा रहा है पिटाई कर अपहरण करने के प्रयास दी गई है तहरीर। तो दूसरे पक्ष में पुजारी पर महिला से छेड़खानी की पुलिस को तहरीर दी गई है। विकास नगर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शहर के बदहाल पार्किंग व्यवस्था फिर होगी दुरुस्त, खबर लखनऊ से है। राजधानी के 84 पार्किंगों को फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। अपनी आय को अर्जित करने के लिए नगर निगम कराएगा संचालन। तो 84 पार्किंगों को फिर से सुसज्जित किया जाएगा। हर वर्ष करोड़ों की आय पार्किंग से होती थी। खबर लखनऊ से है, अनियमितताओं और सुविधाओं को न होने से संचालन बंद था, जिसको अब फिर से शुरू कराने की कोशिश कर रहा है नगर निगम। स्थिति को देखते हुए नगर निगम संचालन फिर से शुरू करेगा। शौचालय व सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था एजेंसी को करनी होगी।
तो खबर लखनऊ से बता रहे, जहां पर 84 पार्किंगों को सुसज्जित फिर से किया जाएगा। 20 भूमिगत पार्किंग को वर्ष 2023 और के बेस पे बनाया गया था, तो कई भूमिगत पार्किंग में ठेकेदारों को हुआ था नुकसान।